हैं वो सर्टनली जो कमिटमेंट है कि इंटरिम बजट में कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए उसके मुताबिक ही हुई हुई हैं। और 206C1G में जो चेंज हुई है वो सिंपली जो पिछले साल इमिजिएटली उनको रिलीफ देना पड़ा था उसको उन्होंने रेगुलराइज करने की कोशिश की है। और जहाँ तक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल और ITAT उनके लिए जो ऑनलाइन जो वर्किंग प्रपोज्ड है जो स्कीम उसको जो डेट उसकी डेडलाइन जो 31 मार्च 2024 ही आ रही थी उसको एक्सटेंड किया गया है। बाकी हम देखेंगे जैसे ही नई गवर्नमेंट आएगी और होपफुली यही गवर्नमेंट आएगी तो इसकी जो सनशाइन अप्रोच है उसका असर हम सभी महसूस करेंगे। थैंक यू। थैंक यू सर। सर मैं हेमंत मोड साहब जबलपुर से हैं, उनकी भी प्रेजेंस एक्नॉलेज करता हूँ। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा के सिंगला साहब जो पटियाला से हैं, सर आप क्विक रिव्यू काइंडली दीजिए सर। हाँ जी सर, सर जैसे मुकुल गुप्ता जी ने कहा कॉन्फिडेंस के बारे में कि बजट में कॉन्फिडेंस लाता है, तो इन्होंने तीन बातें कही, कंटिन्यूटी, क्रेडिबिलिटी एंड कन्विक्शन। और जैसे मोदी जी ने GST की एक अलग से फुल फॉर्म बताई थी, दैट इज गुड एंड सिंपल टैक्स, सिमिलरली उसी को आगे बढ़ाते हुए मैडम सीतारमन ने कहा कि GDP का उन्होंने नया फुल फॉर्म नाम दिया है। उसका मतलब उन्होंने बताया है गवर्नेंस, डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस। एंड आई अप्रिशिएट कि जो फिस्कल डेफिसिट है इन्होंने 31 मार्च 2025 तक उसको 5.1 तक लाने का जो है उनका विजन है। सो ओवरऑल जैसे एक्सपेक्ट किया था हमारे जो चेंजेस थे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेज में वो तो कोई खास नहीं है, लेकिन ओवरऑल बजट अच्छा है। थैंक थैंक यू सर। मैं सुशील गुप्ता जी से रिक्वेस्ट करूंगा सर, प्लीज यू। राजेंद्र, बिफोर सुशील स्पीक्स, लेट मी वेलकम सीए इंदु चात्र फ्रॉम कैलकटा। ही इज ऑल्सो ज्वाइंड, ही इज फ्रॉम द ईस्ट जोन कमिटी। इंदु जी वेलकम टू यू। वेलकम सर, वेलकम इंदु सर। चेयरमैन साहब भी आ गए हैं हमारे। सर ओके आई कैन नॉट सी संदीप सर। संदीप सर ने ज्वाइन तो बहुत पहले कर लिया था, कर लेकिन लिया ही होगा। मैसेज दैट ही इज इन कोर्ट एंड आई थिंक इफ संदीप सर, ओ संदीप सर इज इन कार। वंडरफुल सर। यस सो चेयरमैन ऑल्सो एंड द जूनियर्स ऑल्सो ऑफ द चेयरमैन स्टार्टिंग फ्रॉम द कार ओनली। लेकिन ऑल से हाय टू यू। राइट सर, आई वॉज रेफरिंग जूनियर टू मी ओनली सर, नॉट दी अदर्स। राइट सर, सुशील सर, सर इज अबाउट टू स्पीक सर, सो इफ यू अलाउ चेयरमैन साहब, देन आई विल रिक्वेस्ट यू टू गिव योर रिमार्क्स फॉर दिस सर। सुशील सर काइंडली। थैंक यू राजेंद्र जी। गुड इवनिंग एवरीवन। जो आज का बजट आया है, सबसे पहले जो पॉजिटिव चीज है उसके अंदर तीन मेरे को नजर आती है। पहली जो फिस्कल डेफिसिट है वो 24 का जो है वो उन्होंने रिवाइज करके 5.7 पे कर दिया है, 5.7% पे। और जो 25 फाइनेंशियल ईयर है उसके लिए जो एस्टिमेटेड फिस्कल डेफिसिट है जो 5.1 है। सेकेंडली जो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो 11.11 लाख करोड़ का जो उन्होंने प्रपोज करा है वो अगर हम देखें तो वो एक्चुअल में रिटर्न होकर के आते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर एटलीस्ट 6 टाइम्स। तो मतलब इसकी वजह से जो हमारी जो जीडीपी है वो कितनी बूस्ट हो सकती है वो यहाँ से हमारे को मालूम चलता है। थर्ड जो निर्मला सीतारमन जी ने बात करी है 2047 तक इंडिया को डेवलप्ड नेशन में कन्वर्ट करने के देखने के लिए, तो उसके लिए जो उन्होंने बात करी कि जो उसका जो रोड मैप है वो जुलाई के अंदर प्रेजेंट करेंगे, तो इससे जो उनका जो कॉन्फिडेंस है वो भी पता लगता है कि भाई दे आर कमिंग बैक। सेकेंडली जो बजट है वो ओवरऑल अच्छा है, उसके अंदर जो एज यूजुअल है उसमें कोई रेट के साथ टिंकरिंग नहीं है, कोई नए प्रोविजन एज सच नहीं है, जो कि हमारे यहाँ पर जो पीछे जो लीगेसी रही है या जो ट्रेंड रहा है उसके हिसाब से ही है। थैंक यू एवरीवन। नाउ आई वुड रिक्वेस्ट चेयरमैन ऑफ द नॉर्थ जोन एडवोकेट संदीप गोयल जी फॉर हिज रिमार्क्स। थैंक यू अरोड़ा जी। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन दिस
session of interim budget discussion which we are holding in the north zone on the budget day itself. सुबह से फोन काफी आ रहे थे कि बजट पे डिस्कशन होनी है, तो बजट आने के बाद फोन आए थे कि डिस्कशन करनी क्या है, क्योंकि डिस्कशन करने के लिए है ही कुछ नहीं हमारे पास. तो मेरी रिक्वेस्ट सब सीनियर्स को यही थी कि हम लोग इकट्ठे होकर ये डिस्कस करेंगे कि हमने डिस्कस क्या करना है. तो एनीवेज थैंक यू सो मच सारे के सारे स्टॉलवर्ट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज. आई एम रियली ग्रेटफुल कि हम लोग एक मंच पर इकट्ठे हुए हैं और कुछ अच्छी बातें डिस्कस करने के लिए. That shows that we are here together in North Zone to take it forward and contribute as much as we can. So I am not taking too much of time. Sab experts हमारे साथ join करे हुए हैं. कुछ issues थे जैसे section 43B का सबसे important जो आया था, मैं सम्मी का पुनीत जी से भी कल बात हुई थी और राजेश मल्होत्रा सर से भी आज दिन में बात हुई थी. तो हमने ये डिसाइड करा था कि अगर अब हमें टाइम लगेगा तो हम उन टॉपिक्स के ऊपर भी थोड़ी सी डिस्कशन कर लेंगे. व्हिच आर द बर्निंग इश्यूज एज ऑफ टुडे. सो आई एम हैंडिंग ओवर द प्रोसीडिंग्स टू राजेंद्र अरोड़ा जी नाउ. थैंक यू सर फॉर योर काइंड वर्ड्स. नाउ आई वुड रिक्वेस्ट आंचल कपूर मैम टू काइंडली शेयर हर व्यू अबाउट दिस बजट. I'm sorry, ma'am. Aap unmute. No, right, sir. Now it is allowing me to unmute. And a very good evening to all the participants. I can see all the seniors of mine sitting there. And sir, सबसे पहले राजेंद्र सर, अगर मैं बजट की बात करूँ, so I love the slogan, जय किसान, जय जवान, जय विज्ञान, and now they have given जय अनुसंधान, means the innovation. So that was the key, you said, tagline that I took from the budget. And as yes, Mukul sir has already mentioned that there is no tinkering with the limits, no tinkering with something which is from the voting perspective, from the coming election perspective, nothing has been done. And yes, the changes that have come to the sectors that it is going to impact, like ISD changes and the machinery changes, are going to be very deep impacted, although impacting a very small area, small sector of the people. But yes, we'll be opening up a Pandora box. So with this, the initial words, I hand over to you, Rajendra sir. Can I request now Vipin ji for his remarks? Good evening, everyone. अब क्योंकि ये इंटरिम बजट है तो सभी ये बात दोहरा चुके हैं, मैं भी दोहरा ही रहा हूँ केवल. सो फॉर एज टैक्सेशन इज कंसर्न, देर इज नॉट मच इन इट, एक्सपेक्टेड भी नहीं था. तो सब रेट सब कुछ वैसा ही है, जो भी बस इतना ही किया है, जो भी सनसेट क्लॉज आ रही थी 31/3/2024 उसको उन्होंने एक्सटेंड करके 31/3/25 कर दिया है. बाकी जब पूरा बजट आएगा तो उसकी बात करेंगे. एक बात मैं सोच रहा था कि हर बार जब हम बजट डिस्कशन करते थे तो बेसिकली करते तो टैक्स प्रोविजन डिस्कस थे, कहते बजट डिस्कशन थे. अब इस बार ये हो रहा है कि बेशक हम कह रहे हो कि टैक्स प्रोविजन डिस्कस करेंगे, करना बजट पड़ रहा है. सो दिस टाइम इट इज ट्रूली बजट डिस्कशन. मीन्स पार्ट ए इज द ओनली थिंग जिसकी हमको आदत नहीं है, बट अदरवाइज इट इज द पार्ट ए विच इज द एक्सपेंडिचर साइड एंड इट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस एंड एवरीवन. इतनी सारी बजट सेमिनार्स ऑर्गेनाइज्ड हैं और सब यही स्ट्रगल कर रहे हैं कि इस बार बजट सेमिनार्स में डिस्कशन क्या रहेगा. सो आई सपोज कि वी कैन ट्रेन आवरसेल्व्स टू गो टू पार्ट ए. आई वाज लुकिंग एट इट सम नंबर्स ओनली. डिफेंस के बाद जो सबसे ज्यादा खर्चा हो रहा है वो ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज पे है, रेलवेज पे है, कम्युनिकेशन पे अच्छा खासा खर्चा है. मीनिंग देयर बाय के इंफ्रास्ट्रक्चर साइट पे बहुत हैवी एक्सपेंडिचर है. नाउ इफ इंफ्रास्ट्रक्चर साइट पे इतना हैवी एक्सपेंडिचर है तो इसके ऑफशूट में बिजनेस ऑब्वियसली एक्सपेंड करना चाहिए. और बिजनेस एक्सपेंड करने में अब यहां से हम कई तार पकड़ के आई एम जस्ट सजेस्टिंग कि अगर हमारा पैनल उसको आगे बढ़ाए, अगर इतना इन्वेस्टमेंट होगा इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो ऑब्वियसली बिजनेस कैपिटल इन्वेस्टमेंट या नया बिजनेस या नई फैक्ट्रीज लाइक दैट वो होगा. तो उसमें दो सेक्टर हो गया, एक कॉर्पोरेट सेक्टर हो गया, एफडीआई वगैरह हो गया, एक हो गया एमएसएमई. कि एमएसएमई में किस तरीके से एक्सपेंशन हो सकता है विद दीज काइंड ऑफ बूस्ट आई वुड से. और उसी में अगर एमएसएमई में ये हो सकता है तो एमएसएमई के लिए सरकार करती क्या है और क्या करती है में वो डिस्कशन भी आ गया जो
अभी संदीप जी बात कर रहे थे कि एमएसएमई की पेमेंट सिक्योर करने के लिए एमएसएमई एक्ट में क्या प्रोविजंस है, हम कर सकते हैं डिस्कस। इनकम टैक्स एक्ट में क्या प्रोविजन है, अदरवाइज क्या प्रोविजन है, ये है एमएसएमई को प्रोटेक्ट करने का और आगे बढ़ाने का। सो विद दीस थिंग्स आई एम जस्ट सेइंग दैट टुडेज डिस्कशन एंड द फोर्थकमिंग डिस्कशंस ऑन बजट में बी ऑन द एक्सपेंडिचर साइड, उससे हम क्या कल आउट कर सकते हैं और समझ सकते हैं, और जीएसटी में उसका क्या इम्पैक्ट आने वाला है, ये सब चीज़ें हम कैसे कर सकते हैं, वेयर हाउसिंग लॉजिस्टिक्स में क्या आने वाला है वो कैसे कर सकते हैं, आईएसडी के लिए मुकुल जी अगर कुछ ज़्यादा अच्छे से फोकस कर सकें कि आईएसडी में जो प्रॉब्लम चल रहा था, इनपुट नहीं ले पा रहे थे, उसको कैसे स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, इन सब के साथ शायद हम एक प्लेटफॉर्म बना सकते हैं कि बजट डिस्कशन कैसे करना है। थैंक यू। थैंक यू विपिन जी, आपने बहुत सही तरीके से इसको एक नई नई दिशा दी। हालांकि सुशील जी भी शायद उसी लाइन पर शुरुआत में बोल रहे थे कि अगर 11 लाख करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर पे है तो 10 गुना या 8 गुना तो आप ओवरऑल और खर्चा जो है कंट्री में जीडीपी में कंट्रीब्यूशन की तरह ले सकते हैं। और आपने भी सही कहा कि जब कुछ और पढ़ने के लिए नहीं है तो जो है वही पढ़ लें और उसी से कुछ और निकालने की कोशिश करें। बहुत अच्छा आइडिया था आपका। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे सौरभ कपूर जी, आई थिंक यहाँ पर हैं। सौरभ जी आर यू हियर? सर रोहित कपूर जी आप काइंडली अनम्यूट करके सर अपना अपना व्यूज दीजिए सर। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट फाइनर चेंजेस विल कम इन द मेन बजट, बट वी ऑल आर अवेयर दिस इज वाज ओनली वोट ऑन अकाउंट एंड द फाइनेंस मिनिस्टर दिस वाज द एवर शॉर्टेस्ट बजट, इट कंप्राइजेस ऑफ ओनली 58 मिनट्स एंड एज पर डायरेक्ट टैक्स देर आर नो मच चेंजेस इन द डायरेक्ट टैक्स, not even in the rates, not in the TDS, nothing. And I also just want to highlight that even in section 206 1G, which we are talking about regarding the TCS provisions, regarding the remittance to LRS, there is no change. They have only given the effect to the old press note dated 28-6 June 2023. They have only incorporated into the bill. Otherwise, there is nothing much change. And regarding, because this is a very wise step that they haven't made any change regarding anything, because otherwise what will happen is that again they will come with the finer tune of the budget and they have to make a lot of changes. So I must appreciate that this was the very good step taken by the government and there is no much change. With this, I am just handing over to you, Rajinder. Thank you, sir. If you ask me, you are very right. जैसे आंचल मैम ने कहा अनुसंधान, मुझे यहाँ पर एक बहुत सुंदर बात मैडम की लगी और मुझे कहीं ना कहीं पता है कि उसके पीछे हमारे प्रधानमंत्री जी ही हैं। उन्होंने कहा कि भारत में हम केवल चार जातियों को ही मानते हैं, एक गरीब, एक महिलाएं, एक हमारा यूथ और एक हमारा अन्नदाता। मुझे लगा कि अगर ऐसा ये सोच लिया है और अगर ऐसा हो गया इस धरती पे तो मैं मानता हूं कि भारत से बड़ी शक्ति इस दुनिया में कोई और नहीं हो सकती। तो मेरा जब मैं जब ये बात सुन रहा था तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, भाई ये तो बात जो है वो अलग ही दिशा हो गई, अलग ही दशा हो गई। तो अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा सौरभ कपूर जी से, सर अपना वक्तव्य अपना विचार रखिए सर बजट। या गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, एज एवरीबॉडी हैज जस्ट स्पोकन रिगार्डिंग द बजट लॉट, देयर इज नथिंग मच व्हिच हैज कम इन द प्रेजेंट बजट, इट वाज अ वेरी शॉर्ट बजट। सो एज एवरीबॉडी हैज एलैबोरेटेड फ्यू पॉइंट्स व्हिच हैव बीन incorporated in the present short budget itself, I would just like to add that the change which has not been incorporated with regards to the rate of taxes, especially in the indirect taxes, that is the GST regime, probably will help the business to grow because the change in the taxes would rather affect the working style of a businessman for the coming year, and no such change would help them to continue the business in a streamlined manner. So probably I think what the best part would be that no change being in the tax effect and these slabs would help them to run their business more smoothly in the coming financial year itself. So rest all, I think a lot of light has been thrown upon by my other fellow colleagues and I would not like to add much on the same. Thank you, sir. Sir, do we have Amit Bajaj ji, Advocate Amit Bajaj ji on the panel, sir? यहाँ पर नजर नहीं आ रहे मुझे Amit Bajaj ji, रह गए हैं शायद। सर अगर आप हैं तो कृपया कैमरा ऑन कीजिए ताकि मैं आपको देखकर आपको अनम्यूट कर सकूं, को-होस्ट बना सकूं। नजर नहीं आ रहे सर, कोई बात नहीं, अभी फिलहाल जैसे ही आएंगे मैं उनको ज्वाइन करवा दूंगा। अच्छा बस आखिरी में, जैसे कि मेरा नाम भी पैनल लिस्ट में है तो मुझे भी 2 मिनट बोलने के लिए मिल ही जाएंगे, तो सर मैं रिपीट नहीं करूंगा, मुझे समझ में आ रहा है और बहुत अच्छी लाइन पर सिचुएशन जा रही है
अभी एक ग्रुप में मैं देख रहा था, जब बजट चल रहा था लाइव, तो एक लाइव डिस्कशन चल रहा था लगभग 700-800 लोगों के बीच में, तो किसी ने कहा कि जैसे अभी अभी भी किसी पैनलिस्ट ने कहा कि उनका कॉन्फिडेंस नजर आता है कि हम जुलाई में फुल बजट लेकर आएंगे, तो कॉन्फिडेंस नजर आता है कि भाई ठीक है हम तो रिपीट होंगे ही होंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है रिपीट जो है, एक ग्रुप में कोई बात हो रही थी कि 400 सीटों से रिपीट होने वाले हैं, ये पॉलिटिकल मीटिंग नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आई एम गिविंग यू माई पर्सनल व्यू अगेन, कि अगर पिता समझदार हो, सेंसिबल हो और सख्त हो, तो वही पिता जो है इतने बड़े कुनबे को और कुटुंब को संभाल सकता है। तो मुझे लगता है इस पिता को एक बार या दो बार और मौका दिया जाना चाहिए, और ये जनता की जिम्मेदारी है कि ऐसी ही सरकार लाएं, जो कि पिछली बार जब ये दूसरी बार इलेक्ट हुए थे तो उन्होंने कहा था कि हमें एक क्लियर मैंडेट दिया है, इसलिए हम कोई जिम्मेदारी अब पास ऑन नहीं कर सकते, सारी जिम्मेदारी खुद लेंगे। तो ओवरऑल मुझे एक समझ में आता है कि वो जिम्मेदारी उन्होंने ली है, और मैं पॉलिटिकल या सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कमर्शियल फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात कर रहा हूँ। जब स्टेबिलिटी होती है, कॉन्फिडेंस होता है, तब ट्रेडर, इंडस्ट्री, इन्वेस्टर, सोसाइटी सब कॉन्फिडेंस के साथ, एक स्टेबल पॉलिसीज के साथ आगे बढ़ पाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश में सरकार कोई भी हो, एक स्टेबल सरकार होनी चाहिए, एक एक क्लियर मैंडेट वाली और क्लियर माइंड सेट वाली सरकार होनी चाहिए, कि जो पॉलिसीज बनाए, जैसे एडम स्मिथ ने कहा था कैनन्स ऑफ टैक्सेशन में, कि भाई जो टैक्सेशन का सिस्टम है वो क्लियर होना चाहिए और स्टेबल होना चाहिए। दीज आर वन टू टू आउट ऑफ मेनी कैनन्स और द पॉलिसीज ऑफ और द स्ट्रक्चर्स ऑफ द टैक्सेशन। तो मुझे भी लगता है बजट बहुत सही डायरेक्शन में जा रहा है, हालांकि कुछ था नहीं, लेकिन बहुत अच्छा किया उन्होंने कुछ ना करके। मुझे अच्छा लगता है कि लगा कि जब उन्होंने कोई भी पॉपुलिस्ट मेजर नहीं लिया जिससे कि कोई वो वोटर्स को वू किया जाए या अट्रैक्ट किया जाए, बहुत अच्छा मेजर है। और जो कॉन्टिन्यूम, जैसे कि एके सर ने शुरुआत में कह दिया कि भाई जो खर्चे जो हैं वो सरकार के अगले 4-5 महीने, जब तक कि नई सरकार पावर में नहीं आती, चलते रहे, वो पावर उनके पास रीइन्फोर्स हो जाए, वो करना एक एक इंपॉर्टेंट काम था। तो अब सर, जैसे कि संदीप गोयल सर हमारे चेयरमैन साहब ने हमें एक दिशा दी थी कि हम लोग जो चर्चा है वो 43B पे कर सकते हैं, या हम एमएसएमई को कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, या फिर एक और दिशा हमें मिली है अभी इसमें चर्चा में कि हम ISD, जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर में जो डिफिकल्टी है, जो ऑलरेडी एक सर्कुलर के माध्यम से उन्होंने कहा कि भी देखिए क्रॉस चार्ज, और ISD में डिपार्टमेंट ने क्लैरिफाई किया कि हम सजेस्ट करते हैं, हम क्लैरिफाई करते हैं कि आपको अगर क्रेडिट पास करना है तो ISD के माध्यम से कीजिए, ना कि क्रॉस चार्ज के माध्यम से। तो मैं समझता हूँ इन 2-3 मुद्दों पर चर्चा की जानी चाहिए, और हमारे चेयरमैन साहब हमारे नजर आ रहे हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा पुनीत कुमार सिंह जी, जो हमारे वाराणसी से, बनारस से हैं, हमारे NEC मेंबर भी हैं, हमारे सीनियर मेंबर हैं, सेक्रेटरी भी रहे हैं अभी इमीजिएटली जोन के। तो 43B पे सर आप अपने विचार जरूर हमें बताइए सर, और MSEB जो थोड़ा लिंक की कर सकते जी सर। राजेंद्र, अगेन आई विल इंटरवीन। सर सर हमारे पास सर थोड़ा सा समय है आज, इसलिए कर सकते हैं। जैसे एक तो बस मस्ट अप्रिशिएट द लीडरशिप ऑफ संदीप। ठीक है, ऑल इंडिया लेवल पे दिस इज द फर्स्ट फर्स्ट प्रोग्राम दैट वी आर होल्डिंग नॉर्थ जोन का, एंड द अदर जोन्स विल फॉलो। और इस जोन, इस प्रोग्राम में हमारे पास वी हैव पीपल अक्रॉस द कंट्री। साउथ से भास्कर इज देयर, वेस्ट से अश्विन आचार्य आचार्य इज देयर, फ्रॉम ईस्ट इंदु चात्रत एंड नटवर पांडा इज देयर। ये बड़े, ये लोग जो हैं बड़े प्रोमिनेंट लोग हैं फेडरेशन के, जो अक्रॉस द कंट्री हु हैव ज्वाइन। आई थिंक वी कैन प्रॉब्ली हैव सम ऑफ देयर रिएक्शंस ऑल्सो बिफोर वी गेट गेट ऑन टू द टेक्निकल एस्पेक्ट्स। श्योर सर, श्योर, एज यू से सर। सो प्लीज, इफ आई मे, जस्ट एज अ इफ आई मे मार्क ऑफ कर्टसी, वी लेट अस हैव देयर इनिशियल रिएक्शंस। सर, इफ आई मे आस्क एनीबडी सर, एनी मे एनी वन यू सजेस्ट, अश्विन आचार्य जी, कैन यू गिव योर रिमार्क्स सर? अश्विन आचार्य सर, मे आई, एम आई एबल टू ही सी यू वाज, सर? और भास्कर, कैन यू कैन भास्कर इज देयर, ही भास्कर कैन स्टार्ट। सर, इफ यू कैन पुट ऑन योर कैमरा सो दैट आई कैन अनम्यूट यू। और इंदु सर, इंदु इंदु चतुर्थ चत्रत इज देयर, सर, एंड अनदर नटवर पांडा, आल्सो वेरी 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 ओल्ड मेंबर। सर इंदु सर हैज पुट ऑन हिज कैमरा सर, आई एम आस्किंग यू टू अनम्यूट सर, काइंडली अनम्यूट योर सेल्फ एंड गिव योर रिमार्क सर, गिव योर व्यूज सर अबाउट द बजट। वेल, आवर सेक्रेटरी जनरल मिस्टर रामदेव काकड़ा हैज आल्सो जॉइंड। ओह दैट्स वेरी ग्रेट सर, दैट्स वेरी ग्रेट। सो तो लुक एट द बिफोर पॉपुलैरिटी बिफोर दैट वी एनी हैव वन गेनिंग। बिफोर एनी वन सर, इफ यू अलाउ मी, कैन मैं उनसे ही पूछ लूं सर, इफ दे कैन, ही काकड़ा जी से कैन पूछ लीजिए।
Look at the speed at which Sandeep has organized this program so that he is the first and then people across the country are joining. Thakur sir, are you there? Can we have your camera on, sir? I'm sorry. Kakra sir. Able to see him. Hindu sir, please. Yeah. Ramdeo Kakra sahab has come. Sir, I'm asking you to unmute and give your remarks, sir. Oh, about the program, about the budget. You can always motivate us, our chairman also, and the entire team. No, as you have said. Just a second, Hindu sir. It is okay. Go on, Hindu sir. Kakra sahab, you continue, sir. You please okay. Continue, sir. नहीं नहीं इंदु सर को पहले बोलने दीजिए जी इंदु सर गुड इवनिंग एवरीबॉडी एट द आउटसेट आई कॉम्प्लीमेंट योर ऑर्गेनाइजेशन फॉर अरेंजिंग इन सच अ शॉर्ट ओनली फोर आवर्स विद इन फोर आवर्स यू हैव ऑर्गेनाइज दिस इंटरेक्शन प्रोग्राम विच हेल्प्स अस टू नो व्हाट वर द फैक्ट्स विच केम आउट फ्रॉम द बजट Though the budget did not carry any, as far as the direct and indirect taxes, there were no changes. Other than what I could find out is the outstanding taxes, where she said that 2009, 10, 25,000, and then 14, 15, 10,000. Actually, if you really see the workings of the department, you will feel that there are a lot of itches which are there, but they have got no relevance. But the finance ministry and the law ministry should see to this. See, having no change in the rates, as it is, we are standing at 7 lakh exemption limit. But how many people usually, and the percentage of returns which have been filed, the government should take some steps as far as that is concerned. I'm not criticizing, but I'm saying only suggesting that these should also have been taken into account. Thank you so much. Thank you, sir. Now, can I request Kakra sahab to unmute yourself and, sir, guide us, bless us. Friends, undoubtedly, at the outset, I congratulate you, Mr. Sandeep Goyal, sir, and you too. And today's budget, undoubtedly, it's a fantastic one. There are some things regarding the old dues. Madam Sitaraman says that up to 25,000 or 10,000, that should be a very, very small amount. That should be increased because Income Tax Act is from 1961 and dues are coming from 65, 60, 70 and all this. And there were, for that, there is no paper with the department and no paper with the SSE. And still the demand is going on and interest is going on. So it should be a very reasonable amount should be there for write-off. Otherwise, this is vote on accounts. So there is nothing more to say. It's a good one. Thank you. Thank you, sir. अरोड़ा साहब आई थिंक हम पुनीत जी को बोलेंगे अगर वो सर एक बारी बस वो अश्विन आचार्य सर से मैं रिमार्क्स ले लेता जैसा कि एके सर ने कहा था हां सर प्लीज प्लीज हां बस सर ऑलराइट सर ऑलराइट जी सर थैंक यू सर अश्विन आचार्य सर कैन यू पुट ऑन योर कैमरा सर सो दैट आई कैन अनम्यूट यू सर अश्विन आचार्य सर सर आई एम नॉट एबल टू सी यू सर Can you please put on your camera, sir? Camera on कीजिए ना sir. Rajendra is not present because I was searching the name. हाँ नहीं है तो ठीक है sir बस sir एक है sir और तो sir I think OP Shukla साहब is here. OP Shukla Jamuna Shukla. हाँ Jamuna Shukla ma'am can you put on your camera? OP sir is here now. OP sir I am asking you to unmute. Give your remarks sir kindly sir bless us. थैंक यू राजन जी हम लोग आज कई दिन से वेट कर रहे थे कि बजट आ रहा है बजट पर परिचर्चा करेंगे और बहुत अच्छा बजट रहेगा नो डाउट बजट में कोई ऐसी निगेटिव चीज नहीं है
और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए वे बनाया गया है, जिससे कि आगे गवर्नमेंट कैसे कार्य करेगी, जनता को कैसे सुविधा दे सकती, इसी पर ये फोकस उन्होंने किया हुआ है। टैक्सेशन में कोई चेंज नहीं है, जीएसटी में कुछ चेंज है उसमें, जिसमें कि राजेंद्र जी उस पर अपना प्रकाश डालेंगे, उनको ज़्यादा जैसी जानकारी होगी। इनकम टैक्स में तो आप लोग देख ही रहे हैं कि कोई चेंज है नहीं, एजीटी दोनों रखा हुआ है। ये अंतरिम बजट है, बजट अभी तो जुलाई में आएगा, तब अपना ये फोकस करेंगे। फोकस बजट प्रोग्रेसिव है, इतना ही हम लोग कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। जमुना मैम, अ क्विक रिव्यू फ्रॉम यू आल्सो, इफ यू कैन प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। आई थिंक ओके, जमुना मैम आर यू एबल टू, ओके ओके, आई थिंक शी इज अनअवेलेबल एट द मोमेंट। सर पुनीत सर, काइंडली गाइड अस अबाउट 43 एंड MSME इशू व्हिच इज गोइंग ऑन। यस सर। राजेंद्र जी, थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल सारे सीनियर्स को और कॉलीग्स को प्रणाम। एंड राजेंद्र जी, जो आपने कहा, जो आंचल जी ने कहा और जो विपिन जी ने कहा, आई बाई इनटू इट। एंड आप ही की बात कैरी फॉरवर्ड करते हुए, पहले तो आई वांट टू हाईलाइट द सिचुएशन दैट जो पिता है वो कॉन्फिडेंट है अगले 5 साल के लिए भी। दैट्स वाई जो ये इंटरिम बजट है उसको भी दे हैव यूज्ड इट टू ले अ वेरी सॉलिड फाउंडेशन फॉर देमसेल्व्स फॉर द फ्यूचर, सो दैट देर इज नो डिस्टर्बेंस एंड थिंग्स वर्क इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। द एलोकेशंस दैट हैव हैपेंड, जैसे इनोवेशन का भी जो एलोकेशन है, 1 लाख करोड़ का एलोकेशन है फॉर इनोवेशन, विच आंचल जी वॉज हाईलाइटिंग। They have come up with a scheme to allow interest-free loans to the state so that they can work on their tourism policy and come up with new tourism projects and promote tourism in each and every state. So things are, we can truly call ourselves a developing economy. Now coming to the topic for which I have been given the brief, I just want to set the tone and I want to have inputs from everybody. And so Section 43BH of the Income Tax Act is talking about MSME, wherein they are focusing on micro and small enterprises having turnover up to 50 crores. The time limit for repayment to their creditors is 45 days. अब इसमें सर प्रॉब्लम, व्हाई दिस हैज बिकम अ बर्निंग इशू एंड व्हाई वी हैव बीन सेइंग कि सेक्शन 43B पे डिस्कशन होना चाहिए, इट्स अ वेरी थॉट आउट, इट्स अ वेरी गुड प्रोविजन प्रोवाइडेड एवरीबॉडी इन द चेन इज कंप्लायंट, बट अ गुड प्रोविजन कम्स अप विद अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स ऑन द ग्रास रूट लेवल। सेक्शन 43B, आई टेक एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रेडर्स इन बनारस। बनारस में बनारसी साड़ियों का काम होता है, 30,000 से 50,000 की ये साड़ियां वीवर बना के गद्दीदार को देता है। गद्दीदार इज बेसिकली अ होलसेलर हु देन सेल्स दीज साड़ीज फॉर अ मार्कअप मार्क्ड अप प्राइस ऑफ अराउंड 75,000 टू शोरूम्स इन दिल्ली, कलकत्ता, बेंगलोर, मुंबई। These items are staying in the showroom from 6 to 8 months, if not sold. And whenever the gaddidar is trying to recover his dues, वो 6 से 8 महीने में dues उसके आते नहीं है, बल्कि साड़ी वापस आ जाती है अगर ज्यादा pressurize करता है। In light of this transactional occupational hazard, when some provision like 43BH comes in, now ये गद्दीदार को 45 दिन में अपने वीवर को पेमेंट कर देना है। He is not getting anything in return for what he has sold, unless and until the showroom in Delhi, Mumbai, Bangalore are also compliant and are making the payments in 45 days. वो नहीं करते हैं तो इसकी पूंजी रुकी हुई है, with a risk that अगर आपको 45 दिन में ही चाहिए पैसा तो हम आपकी साड़ी वापस भेज देंगे।
Parallelly, this rule is applicable to people who have opted for registration under MSME. Iska koi competitor hoga who is not registered in MSME, who is willing ki hum 8 mahine tak apni saadi aapke showroom mein chhode rahenge, aap bechiye. To वैसे occupational hazard में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत कष्ट में है और जिन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि what is the way forward and nobody is raising a voice for them. Hence, the discussion on 43B becomes very important. So I have set the mood. I want to have inputs from all the seniors as well as the colleagues present. Rajendra ji, please take it forward. Thank you, sir. Sir, on this issue only, if I may ask AK sir to put some light, and then I will go to Mukul sir for GST wala issue about ISD, and then Archal ma'am also, I would request to add on to the ISD and the penalty which has been proposed. AK sir. Puneet ne ek bahut hi burning issue raise kiya hai. ये issue last year bhi jab budget finance bill mein jab ye proposal aaya tab bhi ye raise hua. Aur प्रॉब्लम और तब ज्यादा आती है जब कि एक बिजनेसमैन है, वो एमएसएमई है, ही इज मेड परचेजेस फ्रॉम अनदर एमएसएमई. वहां और बड़ी प्रॉब्लम आती है, क्यों? अगर उसको एक तरफ से पेमेंट नहीं आया तो फ्रॉम वेयर डज ही पे? और डिसअलाउंस मार्जिन किसी भी ट्रेडर का कह लीजिए ग्रॉस मार्जिन में भी 15-20% अगर आप ले लीजिए, क्योंकि नेट मार्जिन में कुछ ना कुछ खर्चे जो दो गो इनटू नेट मार्जिन बट आर डू टेक प्लेस, तो ये कह लीजिए कि 20% का उसका ऑन एन एवरेज अगर मार्जिन है, एज अगेंस्ट दैट ही इज नॉट एबल टू पे, तो उसको जो डिसअलाउंस होगा वो एक डिसअलाउंस इतना ज्यादा हो जाएगा कि ही विल नॉट बी इन ए पोजिशन टू नॉट ओनली पे द टैक्स बट ऑल्सो नॉट इवन रन इज बिजनेस. ये कि बहुत बड़ा इशू है. इसी तरह का इशू ये आया था जब TDS का था, डिसअलाउंस ऑफ TDS था, कि आपको जो डिसअलाउंस होगा तो डिसअलाउंसेस वुड मेक द बिजनेस अनवायबल. जो ये हुआ कि आपको कॉन्ट्रैक्टर के पेमेंट है, उसने ट्रक्स का था या कुछ और केसेस में था, तो ये एक बहुत बड़ा इशू है कि आप किसी को एमएसएमई को प्रोटेक्ट करने के चक्कर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने उसको सर्विस नहीं किया, बल्कि इट हैज बिकम ए डिससर्विस टू एमएसएमई. और जैसे पुनीत ने कहा कि कोई अपना अब साड़ियां भेजी, अब साड़ी भेजने के बाद उसने उसको पेमेंट करनी है 45 दिन में पेमेंट नहीं कर रहा वो, तो थोड़े दिन बाद यही कहेगा कि ठीक है जी, आप 40 दिन बाद कहेगा भाई आप अपना सामान वापस ले जाइए. तो जो एमएसएमई जो सप्लायर है उसको कुछ दिन 40-45 दिन उसका माल कहीं और पड़ा रहा, आने जाने का किराया वो लगाएगा, और ही इज अगेन बैक टू स्क्वायर वन. और अनफॉर्चुनेटली अगर वो उसने किसी और दूसरे एमएसएमई से लिया हुआ था तो उसका उसका बिजनेस कैसे वो रन करेगा. इट इज अ वेरी वेरी बिग बिग इशू. और लास्ट ईयर ये कुछ ग्रुप में ये व्यू था दैट दिस अमेंडमेंट इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ एमएसएमई. ये कर दिया गया मगर बगैर सोचे हुए, बगैर उसको इन डेप्थ में गए कि भाई इसकी इम्प्लीकेशंस क्या होंगी. मेरी पर्सनल व्यू होगी कि भाई ये इस टाइप के जो प्रपोजल्स हैं दीज शुड बी विड्रॉन. और अगर एमएसएमई को आपको प्रोटेक्ट करना है तो इट हैज टू बी बाय वे ऑफ अ फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन दैट शुड कम टू देम. और गवर्नमेंट, क्योंकि आजकल देखिए अभी फाइनेंस बिल में भी पता है कि इवन पटरी रेडी पटरी वालों को भी लोन दिया जा रहा है, तो गवर्नमेंट शुड हैव सम फंड्स जहां से ये एक सॉर्ट ऑफ दिस मनी कैन कम एज इन द फॉर्म ऑफ ए ब्रिज लोन. एक प्रपोजल गवर्नमेंट के पास कुछ ना कुछ ऐसा हो जिससे आप एमएसएमई को कुछ प्रोटेक्ट करिए.
in the form of protecting them through 43B is unworkable. That is my personal view. Thank you, sir. Mukul sir, just wait for 1-2 minutes, sir. I'll request you. जो अभी जो एके साहब ने कहा या अपनी जी ने कहा, प्रोबेबली वी हैव टू रेड द इनकम टैक्स एक्ट विद एमएसएमई एक्ट एंड एमएसएमई एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन ट्रेडर्स. ट्रेडिंग एक्टिविटी इज नॉट कवर्ड. मैन्युफैक्चरर्स एंड एसएमईज आर कवर्ड. सो वी नीड टू एग्जामिन द प्रोविजंस एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स or this 45 days limit only in respect to those which are covered with MSME. And more so the trader or the manufacturer should be registered under MSME. Unless until he is registered, he will not be getting this benefit. So those provisions we need to consider before taking any final Very correct, sir. Puneet sir, in fact, Puneet ji has identified this thing that if a particular taxpayer or a particular business is registered in MSME, then only it applies to it. But you have added another dimension that it is not applicable on traders. So we need to read this carefully. One more thing, sir, which was coming to my mind as a GST guy only, that the similar provision is there under 16(2) second proviso. Of CGST, yes. That is 180 days wala. 180 and days. To me, whenever I speak on those 180 days wala provision, there is an article of constitution which comes to my mind that there should not be any restraint on trade and profession and vocation by the state on the people of the country. I believe this, not only 180 days wala provision and this MSME wala provision also, in the guise of bringing financial discipline into the economy, it is restraining the traders to trade freely in between. And there is rightly pointed out by Puneet ji that there is an occupational hazard. Similarly, in 180 days wala provision, if I buy an electrical panel for a multi-story building for 50 lakh rupees, and there is a industry practice that at least for 2 years, I will retain 25% on the performance. On the performance-based release only, and retaining to 25% of the money, it means proportionate credit would be disallowed to me, or I would require to reverse it now. So I believe these provisions, to my mind, of course, all the learned and senior lawyers are sitting on this platform, that it is unconstitutional to my mind. So we need to identify on those lines as well. Now, I would request Sushil ji also to put some light. Just a second, Mukul sir. I would request Sushil ji also to put some light over this 43B read with MSME. Sir, isme na ek cheez aur hai ki which outstanding, whether outstanding as on the close of a particular financial year are going to be hit by this section 43B. Like I have made a purchase on 1st of March 23 or 24. And my terms are for 45 days payment. So 31st March ko that amount is outstanding. So for a particular financial year, that amount is not going to be hit. That amount outstanding is not going to be hit by section 43B. Ab next year jo hai, kya aisi koi implications hai? Mere hisab se iski next year koi implications nahi hai, kyunki jo section 43B hai, it restricts my deduction. It doesn't make any amount outstanding as my income in the next year. मतलब अगर मैंने particular financial year में कोई expenditure incur करा और as per terms मेरे को जो payment है April में करनी थी, तो मेरे को deduction की कोई restriction नहीं है. और लेकिन next year वो मेरी income में treat नहीं हो जाएगा, क्योंकि वो income treat करने की बात नहीं करता. तो मेरे को as on a close of a financial year, मेरे को सिर्फ ये देखना है कि मेरी जो payment है, मेरी payment terms के हिसाब से या within 15 days हो गई है या नहीं हुई है. अगर उसको मैंने ब्रीच करा है तो सिर्फ उसी साल के अंदर ही मेरे को डिडक्शन बार होगी, नेक्स्ट ईयर कोई बार नहीं है. थैंक यू सर. सर मुकुल सर, आप प्लीज सर, आप जो कह रहे थे. नहीं, मैं इसी चर्चा में, क्योंकि एक देखिए, हर एस्पेक्ट के दो
चीजें होती हैं, दो एस्पेक्ट्स होते हैं किसी भी चीज के। इसका जो एक अच्छा एस्पेक्ट है, चाहे वो 180 डेज के पेमेंट की रिस्ट्रिक्शंस हो या एमएसएमई एक्ट में ये प्रोविजंस हैं, इसका अच्छा एस्पेक्ट ये है कि पेमेंट अगर आदमी को टाइम से मिलता रहे तो उसका इंटरेस्ट बर्डन या उसकी अपना बिजनेस बेटर हो जाता है। ही कैन बी इन अ बेटर पोजिशन टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स फ्रॉम हिज ओन फंड्स, और बैड डेट्स भी कम होते हैं। जितना टाइम लैग होगा उतने बैड डेट्स के बढ़ने की आशंका ज्यादा होती है बिजनेस में। सो फ्रॉम दिस एंगल दिस इज अ गुड प्रोविजन, बट हाउवर एज पुनीत जी हैज टोल्ड दैट इन स्पेसिफिक रेस्पेक्ट ऑफ बनारस साड़ी वाला एंड ऑल दैट, दैट कुड बी अ प्रॉब्लम एंड दैट कुड बी सॉल्व बाय अ प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन टू द गवर्नमेंट, दे कैन एग्जेम्प्ट सच बिजनेस और सो फ्रॉम दिस प्रोविजन। सर वन थिंग कम्स टू माई माइंड बाय दिस डिस्कशन 180 डेज वाला। रिसेंटली वन ऑफिसर कॉल्ड मी एंड सेड सर कि मुझे ना एक टैक्स पेयर ने चिट्ठी लिख के इंटिमेट किया है कि मिस्टर एक्स ने मेरे 50 लाख रुपए देने हैं और उसने 180 दिन में वो पैसे नहीं दिए हैं। मैंने कहा साहब आपका जुरिस्डिक्शन तो बनता नहीं इसके ऊपर। कहते नहीं नहीं मैंने तो सिर्फ उसको एक प्लेन लेटर लिख के भेजा है कि भाई तूने 16.2 की कंडीशन पूरी कर ली क्या सारे क्रेडिट की, अगर कर ली है तो वो मुझे बता दे। मैंने कहा साहब आपका वैसे जुरिस्डिक्शन नहीं बनता। कहते वो बिल्कुल ठीक है लेकिन मैंने उससे सिर्फ जो है कोई कागज नहीं मांगा, उससे कोई इंटीमेट किया है कि 16.2 की कंडीशन पूरी कर ली क्या सारी तूने। और जैसे ही मैंने उसको चिट्ठी लिखी तो कहते वो आपस में जो डीलर है वो उसके पास पहुंच गया जिसको उसने पैसे देने थे कि भाई ये तू जो है सेटल कर ले जो पैसे लेने हैं ऐसे ऐसे जो भी जैसे करना है। तो आई मीन डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं ये मैंने फील किया कि अगर कोई भी रेसिपिएंट जिसने सप्लायर से पैसे जो भी सप्लायर जिसने रेसिपिएंट से पैसे लेने हैं तो उसके जुडिशियल ऑफिसर को चिट्ठी लिख देगा तो शायद कुछ और इम्पोर्टेंट एक्टिविटी भी हो जाएगी। सो सर मैं अब मुकुल सर आपसे ही बात करने आगे, अच्छा संदीप सर अगर हमारे साथ हैं, संदीप गोयल जी, संदीप गोयल जी मैं आपका सर आई कैनॉट सी योर फेस, यस नाउ यू आर इन ऑन योर हॉट सीट, सो यस सर 43B पे ही सर और एमएसएमई पे सर आपके विचार भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं सर हमारे लिए। सर मेरे विचार तो ये है सर 43B के ऊपर आज मतलब आई विल अगेन रेफर टू पुनीत जी डिस्कशन व्हिच वी हैड यस्टरडे। मेंशन तो बहुत अच्छी है 43B की, the idea is to expedite payments for MSME, it can boomerang for them for the reason that people will shying away from purchasing goods from MSME itself, they will start going to the people who are not MSME and who are the large entrepreneurs. To sir ye 43B ka inko streamline kuch na kuch karna padega practical basis ke upar. Yes we can, I mean think of implementing it for a or we can give them a breathing time ke aapko jaise industry mein thoda shoot karta hai iske कि आप और थोड़ा टाइम ये सारी चीज को थोड़ा टाइम को बढ़ा भी सकते हैं। और 43B का हमेशा से नॉट ओनली दिस आई थिंक इट इट इज अ पास्ट हिस्ट्री, जब से पेमेंट्स के बारे में सरकार ने 43B का इंट्रोड्यूस करने का पर्पज ये था कि सारी जो पेमेंट्स हैं उसको एक्सपीडाइट करा जाए तो कुछ इफेक्ट आया भी है, बट इवेंचुअली इनकम टैक्स के तो कोई थोड़ा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जब भी आप पेमेंट करोगे आपको उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। बट यस एमएसएमई के लिए जो इनकी इन्होंने बनाया है इट माइट क्रिएट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स फॉर द इंडस्ट्री, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ द इंडस्ट्री वर्क्स एंड देयर आफ्टर दिस प्रोविजन शुड बी इंप्लीमेंटेड। प्रॉब्लम हमारी सर क्या आती है कि हमारी इंटेंशंस ठीक होती हैं और दो इंटेंशंस हैं हमारी गवर्नमेंट से आती हैं, प्रॉब्लम होती है उनकी इंप्लीमेंटेशन में जो कि ब्यूरोक्रेट्स लेवल पर है। हम जीएसटी का भी जो देख रहे हैं जीएसटी की इंटेंशन कहीं भी बुरी नहीं है बट जब हम ब्यूरोक्रेटिक लेवल पर उसकी इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं दैट इज रियली आई विल से डिस्मल। जो ये शो कॉज नोटिसेस आते हैं या जो 16.4 के लिए अब हम बहुत फाइट कर रहे हैं दिस इज ऑल आउटकम ऑफ द आई वुड से द स्टबर्नेस ऑफ द ब्यूरोक्रेट्स, अदरवाइज बहुत सारे जो इश्यूज हैं दोज कैन बी रिजॉल्व। कोर्ट्स में हम जब जाते हैं तो कोर्ट्स ऑल्सो फील पिटी दैट द ब्यूरोक्रेट्स आर नॉट टेकिंग अप द इश्यूज एट ऑल इन अ राइट पर्सपेक्टिव, दैट इज हाउ द कोर्ट्स आर ऑल्सो बर्डन। सो सर हमें इन सब चीजों को प्रैक्टिकली आई थिंक द गवर्नमेंट शुड इन्वॉल्व द इंडस्ट्री एंड शुड इन्वॉल्व द आई वुड से द प्रोफेशनल्स इन दिस बिफोर दे इंप्लीमेंट दीज प्रोविजंस। ब्यूरोक्रेट्स अपने ऊपर लेके सारी चीज को इंप्लीमेंट कर रहे हैं एंड दे आर लिविंग इन अ कंप्लीटली कुकून विच वेयर वेयर दे आर टोटली अवर्स फ्रॉम दी
आई वुड से दे आर टोटली इम्यून फ्रॉम द एक्चुअल वर्किंग. जो अगर वो बाजार में जाएंगे तब उनको पता चलेगा कि कहां पर क्या प्रॉब्लम्स आती हैं. तो आई वुड रादर से के 43B गुड इंटेंशन बट अगेन बैड इम्प्लीमेंटेशन. वी हैड सीन दिस हैपनिंग इन कपल ऑफ मोर डिसीजन इन दिस गवर्नमेंट ऑल्सो. बट एनी वेज नॉट कमेंटिंग अपॉन द वर्किंग ऑफ एनी गवर्नमेंट. आई थिंक इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल टू have a look, re-look at the things and come out with the better ideas. There is no issue, there is no problem. I think you are also referring to the some clarification to be issued by the government in the form of a circular. Yes, sir. Yes. Very true. Rajendra, yes. To permit what Mukulji said, I wanted to modify the proposition before we go to Vipinji. I am coming to Vipinji. I am coming to you, yeah. Sir. I noticed that. I am really sorry. Just one minute. Yeah, please, Puneet ji, aap boliye pehle, main Vipin ji ke paas chalta hoon. Okay, so Mukul uncle, what's happening is, let's modify that proposition, jo gaddidar hai, hum baat kar rahe hain ki traders pe nahi lagta hai. If that case be, udyam registration, retailers or wholesalers pe bhi allow ho gaya hai, udyam registration le rahe hain. Dusri baat, jo ye gaddidar hai, ye khud apne 1000 loom chala raha hai. So he falls in that category of manufacturer also. Over to Vipin ji. Yeah, Vipin ji, please add your point. No, do teen baatein. Ek to this provision in 43B has emanated from MSME Act. That is section 50. And that is an old provision. This act only says that you can procure goods and services from an MSME on credit, and you can have the credit period, and you pay within that credit period. If you don't pay within that credit period, then you have to pay interest. If you don't have any credit period as per contract with that particular supplier, which is MSME, then the period is 15 days. If you don't pay within 15 days, you have to pay interest. Then there is a proviso, then the credit period which you are having by virtue of a contract with that enterprise, beyond 45 days, whatever may be the credit period, beyond 45 days, you have to pay interest. So the credit period, interest-free credit period cannot be beyond 45 days. And if there is no agreement, then the credit period is 15 days. Otherwise, you pay the interest. Then there are other provisions, even Companies Act, when we do the final balance sheet and audit, then we have to do some data. So they have changed the things that you have to report that how much is the outstanding to a MSME in terms of MSME Act. So it is a regime. I mean, what I want to emphasize is there are two aspects. One is what the law should be. So that's a different kind of debate. And another is what the law is and how it is to be implemented. So as an advocate, it is what the law is. And otherwise, in a broader sense, we can always discuss what the law should be. So far as what the law is and the object of the law is, that is parent act is MSME Act. And the purpose is that these MSMEs get their payment in time. It's a different story that because of this law, some unhealthy competition is happening in the sense that some people are not registering in MSME. They are offering something to the big buyers, which these registered MSME may not be offering like that. So this kind of unfair competition has been argued by many of the normal taxpayers in GST or VAT. They say that they don't have the VAT registration and they do underbilling and all those kind of things. We cannot compete with them. Now, looking from the point of view of legislature and looking from the point of view of government, this kind of unhealthy competition cannot be a reason for statute or legislation to go and protect the groups. If the government or the legislature thinks it fit that the MSME as a sector should be protected, then unhealthy competition cannot be a cause. There may be other things, but I mean, government will not be able to do anything about it. One more thing that I suppose it was pointed out that in constitution, it is a free business regime and I should not be put to any restraint how I want to do my business. So this is now a settled thing that there may be restrictions like 43B has already tested this constitutional test.
Supreme Court has already in many cases, in deeming provisions, in 43B kind of provisions, in many deeming provisions, the law has been tested before Supreme Court, so far as tax statute specifically are concerned, and Supreme Court has already cleared it that these kind of limited restraints are okay in the overall economic policy, what the legislature fit correct, or which the executive fit correct. Executive means government of India, means like that. So far as constitutional part is concerned, it is within the parameters what the Supreme Court has already laid down. Parent Act is MSME Act, and Punitji has answered that. So far as retailers are concerned, earlier maybe the position may be different, but today retailers also are allowed to register within MSME. And the example we were citing means that was a MSME supplier and the buyer was someone. So if the MSME supplier may not press for the payment for 6 months, 5 months, 8 months, whatever, that is his call. The point is that the buyer has to look to it that if it is an MSME vendor, they have to make the payment within credit period, which cannot exceed 45 days. No credit period, which cannot exceed 15 days. As on 31st of March, if the credit is beyond 15 days or 45 days, as the case may be, the only repercussion is that particular deduction will not be allowed in that particular year. In next year, after you pay after 3 months, you have a credit period of 3 months, you pay after 3 months, no problem. Even MSME Act is not stopping you to having a credit period of more than 45 days. What they are saying is, if you pay 45 days beyond, you pay the interest. That's all. You can have the credit period. Nobody is stopping you. So there is no bar. So from this angle also, this part to examine whether constitutionally hit or not, nobody is stopping to having a larger credit period. What they're saying is, if there's a larger credit period, MSME Act, pay interest. Income Tax Act, you will be allowed the deduction. It is not going anywhere. In the year you pay it, you take it. And if you take a spill of years, it doesn't matter. Because last year, aapka kuch outstanding hoga, jo current year mein pay kiya hoga. Current year ka kuch outstanding hoga, jo agle saal mein pay kiya hoga. Ye ek saal hota hai, jisko hit karta hai. Over a spill of years, it doesn't hit. So, as legal counsels, I suppose, we are looking at it from a legal angle. So this is my legal angle, which I have given. Otherwise, so far as the policies are concerned of the government, whether it is good for MSME or bad for MSME, that is a question of debate we can always have, and we can suggest improvements in the policy. So looking from the policy perspective is a different perspective. And looking from the legal perspective is a different perspective. So my contribution was only to this, that we should look from both angles and segregate it, bisect it. When we look from the legal perspective, we restrict our discussion to that. And then we give an agenda that now it is open for policy perspective. And then we can contribute in. Thank you. Wonderfully segregated, Vipinji. Now I would request this thing, GST issues, jo do tin changes hain, and I'll request Mukul sir to begin with. Sir, I just want to, if you permit me, I just want to add something regarding 43BH. Sir, please. My two issues was regarding, first of all, there is an interest provision which says that if interest is not paid according to MSME Act, then in that case, the SESI is required to pay three times of the interest of as fixed by the RBI. And there is also a provision which states that if it is not paid or it is paid, it will be disallowed in the Income Tax Act. But I just want to bring you in kind notice, but there is no section in the Income Tax Act which says that this interest will be disallowed. So my provision, I just want to bring you in kind notice of all the members present here, that what will be the whether that interest will be allowed or not, first thing. Second thing, if I pay the interest, say at 12%, then that 12% is not in accordance with the MSME Act. That is the normal interest, because MSME Act says three times. In that case, it should be allowed. And even otherwise, if we talk about that three times, it is not according to MSME Act, it should be allowed. First issue was regarding this, my friends. Second issue, Sushil ji has raised one issue regarding that the SESI has purchased on 15th of March 2024.
and we presume that there is an agreement to in the agreement for purchase, there is a period of 45 days. Now, if the SESI does not make the payment within the 45 days, the issue is whether such payment will be allowed in financial year 23-24 or it will not be allowed, because you are making payment in next year. But if we go to the provisions of the next year, it will not be disallowed in next year also, even if you make the payment on 31st March 2025. So meaning thereby, there are some things which are very important to be discussed. According to me, that if we make purchases on 15th of March and we are not making payment after 45 days, it will be disallowed in financial year 23-24 because there is no provision for disallowance in the next year. These are my submissions, your friends. Thank you, sir. I think probably this MSME payment is to be allowed on a cash basis. So basically, whenever you pay, you will be allowed a reduction on that. Because the entire 43B is effectively, instead of mercantile basis, it is cash basis. So whichever year it is, in that year it will be allowed. You claim a deduction only in that year. That's I feel. Right, sir. Implication, sir. Just a second, sir. Just a second. Before we go to GST, AK sir and Rohit ji, implication also for Vipin ji. The implication for this is 2023-24 mein there is a disallowance. Yes. Since we are compliant in the year 24-25. हमारी बुक्स कितनी खराब हो रही है उसका इंप्लीकेशन आता है 23-24 में हम उस डिसअलाउंस के चलते लॉस में चले जाते हैं और 24-25 में हमको वो खर्चा मिलता है और एज अ बेनिफिट एंड साथ में हम कंप्लायंट भी हो रहे हैं तो मेरा जो नेट प्रॉफिट रेट है वो भी डिस्टर्ब हो जा रहा है द वेरिएंस इज क्वाइट हाई पुनीत वेरी वेरी ट्रू यू सी सिमिलर इशू एज आई सेड had come up earlier in case of, say, contractors or wherever tax is deductible and you have not deducted. Same will be the situation here. That tax is deductible, the payment is to be made, but you have not made the payment. So that particular issue would definitely be there. So it has to be, as I said, we have to, if we really want to serve the MSME industry, our approach, the government approach should be different. It has to be through some sort of a bridge finance, then only you can probably protect the people. Otherwise, this particular, in 1 year you get a disallowance, there is and in case, now the issue would be how have you accounted for your for the sales. Now you do not get a payment, a MSME industry itself, both he has to make the payment and he has to get the payment. He doesn't get the payment. If he has already accounted for it as an income, वो income हो गई, payment उसके against जो expense है वो नहीं मिला, then what will happen is your profit will all of a sudden in 1 year shoot up. You will be liable with a very high liability. Now you don't have money, obviously your margin is unrealistic, like profit here is unrealistic. So ये issue तो this will become a major issue in times to come. And just jokingly, last year some people said a professional group mein ki bhai hamare professionals ke paise nahi aate. So we are also a service industry. Jisse kam se kam payment to thoda jaldi aa jaye. Kuch na kuch iska tarika कुछ सजेस्ट करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, सजेस्ट करना पड़ेगा सरकार को. राइट सर, थैंक यू. नाउ आई मे रिक्वेस्ट मुकुल सर फॉर पुटिंग लाइट ऑन दिस जीएसटी चेंजेस व्हिच हैज प्रपोज्ड. राजन जी, हमारा टाइम कब तक है? मतलब क्योंकि सर, 16-17 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं. सर, मेरे ख्याल हमें 10-15 मिनट में क्लोज करना चाहिए बिकॉज इट वॉज फॉर अराउंड 1 आवर ओनली. And okay. Now it is already, so 10-15 minutes, sir, but our members are still glued to you, their screen, sir. That is the beauty of you. You are the charmer, sir. 76 participants at present, yes. So, yes, GST mein dekhe, basically do bade amendments kiye hain. Chapter 4 of this finance bill.
एक तो अमेंडमेंट है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का, जिसके लिए सेक्शन 2 सबसेक्शन 61 में रिप्लेस किया है डेफिनेशन को, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर की डेफिनेशन, और उसी से कनेक्टेड जो प्रोविजन है सेक्शन 20 का उसको उन्होंने रिप्लेस किया है। पहले वाला जो पुराना सेक्शन 20 था वो काफी लंबा और कॉम्प्लिकेटेड था, यहाँ इन्होंने 3 सबसेक्शंस को देके और इस प्रोविजन को लेके आए हैं। दूसरा एक प्रोविजन जो दूसरा चीज इन्होंने मेन अमेंडमेंट किया है वो सेक्शन 122A इंसर्ट किया है, एक न्यू पेनल्टी का क्लॉज विद रिलेटिंग टू सर्टेन स्पेसिफिक मैन्युफैक्चरर्स और सर्टेन स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोसीजर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। पेनल्टी का क्लॉज सेक्शन 122 का है, पहले से हम सब जानते हैं, सेक्शन 122 कैपिटल ए उसके साथ और जोड़ दिया। ये एक्चुअली सेक्शन 148 में एक प्रोविजन है जिसमें कि जीएसटी काउंसिल स्पेसिफिक इंडस्ट्री के लिए स्पेसिफिक प्रोसीजर्स प्रिस्क्राइब कर सकती है। तो अभी 5 जनवरी 2024 को यानी कुछ दिन पहले एक नोटिफिकेशन जारी किया गवर्नमेंट ने, नोटिफिकेशन नंबर 4 ऑफ 2024, उसमें इन्होंने कुछ पैकिंग मशीन्स जो कि डिस्क्राइब किए इन्होंने, और जो गुड्स बनते थे उनके पैकिंग मशीन्स डिस्क्राइब किए, उसके HSN कोड्स प्रिस्क्राइब किए, जिसमें जैसे कि पान मसाला था, टोबैको है, टोबैको रिफ्यूज है, हुक्का है, गुटका है, वाटर पाइप स्मोकिंग जैसी कमोडिटीज हैं। तो इनके लिए जो मशीन्स थी उसके उसको डिक्लेयर करना है स्पेसिफिक फॉर्मेट में, वो सेक्शन 148 का सहारा लेते हुए गवर्नमेंट ने उसको ये नोटिफिकेशन जारी किया। पर्पस इसका ये है कि टू कंट्रोल द प्रोडक्शन, क्योंकि मशीन डिक्लेयर्ड होगी तो प्रोडक्शन का स्टैंडर्ड डिक्लेयर होगा, उसका कितनी क्वांटिटी वो बना सकेगी वो डिक्लेयर होगी, उसके बेसिस पर वो उसका प्रोडक्शन एसेस कर पाएंगे और आउटवर्ड टैक्स डिटरमाइन कर पाएंगे। ये मेनली इसका पर्पस है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में आप सब जानते हैं कि काफी हद तक दिक्कतें गवर्नमेंट फेस करती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने ये प्रोविजन लाए। अब सेक्शन 122 कैपिटल ए से उन्होंने ये कहा कि जो भी स्पेसिफिक टाइप के मैन्युफैक्चरर्स हैं, प्रिस्क्राइब्ड हैं, वो यदि डिक्लेरेशन मशीन का नहीं करते हैं तो उनको पर मशीन 1,00,000 रुपए की पेनल्टी लगेगी, इन एडिशन टू द अदर पेनल्टीज विच आर ऑलरेडी प्रिस्क्राइब्ड एल्सवेयर इन द एक्ट, चाहे वो सेक्शन 122 की पेनल्टी हो, चाहे वो चैप्टर 15 की पेनल्टी हो, उसके एडिशन ये पेनल्टी और लगेगी। तो ये एक नया प्रोविजन इसमें लेके आए सेक्शन 122 कैपिटल ए। अब जहां तक आईएसडी का सवाल है, आईएसडी में जैसा मैंने बताया कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 61 में ऑलरेडी वी हैड अ डेफिनेशन ऑफ इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स, उस डेफिनेशन को इन्होंने रिप्लेस किया, और उस रिप्लेस करने में दो मुझे मेन चीजें दिखाई पड़ती हैं जो चेंजेस ये लेके आए। एक तो जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 और सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 के जो इनपुट टैक्स क्रेडिट था वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में दिक्कत होती थी, क्योंकि पहले वर्ड्स यूज थे सेक्शन 31 में जो टैक्स इनवॉइस
जारी किया गया है उसका एप्रोप्रिएशन इनपुट टैक्स क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूटर कर सकता है। तो उस डिफिकल्टी को रिमूव करते हुए उसका एम्बिट को एक तरह से यहाँ गवर्नमेंट ने बढ़ाया है। ये एक अच्छा कदम मैं मानूंगा इसको। और दूसरे इन्होंने एक डिस्टिंक्ट पर्सन डिस्टिंक्ट एंटिटी एक ही पैन कार्ड पे अगर एक स्टेट में एक एसी जेड है और एक नॉर्मल यूनिट है तो एसी जेड के जो एक्सपेंसेस होते हैं या उनके जो है वो तो एक्सपोर्ट में आपको बेनिफिट मिल जाता है उसका आप रिफंड ले लेते हैं या टैक्स आपको पे नहीं करना है वट एवर द केस में भी जो भी आप LUT अप्लाई करते हैं जैसे भी। तो उस चीज को बाइफरकेट करने के लिए इन्होंने कि वहां भी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का कंसेप्ट लाके SEZ के एक्सपेंसेस अलग कर दें डिस्टिंक्ट पर्सन मानते हुए सेम स्टेट में उसके एक्सपेंसेस अलग कर दें और वो अलाउबल हो जाए तो ये अगेन एक अच्छा एडवांटेजियस एक राइट डायरेक्शन में एक कदम है कि एक्सपोर्ट के बाबत जो भी एक्सपेंसेस हैं वो इसी स्टेज पर बाइफरकेट होके और SEZ यूनिट के पास जाएं और उनका एप्रोप्रिएशन करेक्टली हो पाए और उसका डीलिंग फिर अकॉर्डिंगली प्रोविजंस ऑफ लॉ के तहत जो भी एक्सपोर्ट को बेनिफिट्स हैं वो मिल जाए। तो ये दो बेनिफिट्स मुझे इसके क्लियरली दिखाई पड़ते हैं इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के। उसी से रिलेटेड जो सेक्शन 20 है जहां की कैसे ये इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का क्रेडिट अलाउ होना है वो प्रोसीजर जो उसमें भी कुछ चेंजेस लेके आए हैं और उसको भी स्ट्रीमलाइन इन्होंने किया है विच इज ऑल्सो अ गुड स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। सो दीज आर ब्रॉडली द चेंजेस विच हैव बीन ब्रॉट इन द GST लॉ। थैंक यू। अब आंचल जी कुछ इसमें और ऐड करेंगी मैंने। थैंक यू सर। थैंक यू आंचल मैम काइंडली गिव योर इनपुट्स ऑन दिस। बहुत कम बोलने के लिए था अब तो बिल्कुल ही कम रह गया बिकॉज यू हैव एक्सप्लेन द प्रोविजंस। सो GST का अगर हम ओवरऑल बात करें एज मुकुल सर हैज राइटली मेंशन सो दो मेजर चेंजेस है। एक ISD को लेकर चेंज आया है उसी की डेफिनेशन 2 क्लॉज 61 में अमेंड की गई है और उसी के प्रोविजन सेक्शन 20 में अमेंड किए गए हैं जिन पे सर ने अभी लाइट थ्रो की है। और दूसरा चेंज है कि एक पेनल्टी के सेक्शन में एडिशन हुआ है इंसर्शन हुआ है 122A जो कि गुटका पान जो मशीनरीज उनके जो मैन्युफैक्चरर्स है उनके लिए इम्पैक्ट करेगा। सो पहले अगर मैं ISD के चेंज को लूं ISD क्रॉस चार्ज हैज ऑलवेज बीन अ कॉन्ट्रोवर्शियल इशू। इसके ऊपर गवर्नमेंट ने अभी 50th काउंसिल मीटिंग के बाद सर्कुलर 199 भी इशू किया था जिसपे कहा था कि ये एक मैंडेटरी नहीं है ISD को रजिस्टर करना एंड उसके कुछ इश्यूज थे कि क्या वैल्यूज उसमें लेनी चाहिए सैलरीज इसमें इंक्लूड होंगी या नहीं ऐसे सच इश्यूज 199 में एड्रेस किए थे। सो अब अगर हम ISD को देखें तो सबसे पहले उसमें सिर्फ इनवॉइसेस पहले लिखा था इनवॉइसेस इशूड अंडर सेक्शन 31 Now they have particularly covered the RCM invoices also, jo 9.3 or 9.4 mein as Mukul sir has rightly mentioned, have duly been included. And in all these sections, may it be 20, the section 20 is particularly referring to the rules. So inke upar ab rules jo hai wo aayenge, kyunki jo conditions and restrictions pehle section mein incorporated thi, those have been, the section 20 has been fully amended. So, जो सेक्शन 20 है और जो अगर हम वर्डिंग पढ़े उसको सेक्शन 24 की मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन के साथ जो ऑलरेडी भी एग्जिस्ट करती थी लिंक कर दिया गया है कि अगर कोई भी एक डिस्टिंक्ट पर्सन की एक आर्म अगर कोई भी बिल रिसीव कर रही है फॉर द सर्विसेज रिसीव्ड इन द अदर यूनिट
So now they are supposed to get the mandatorily registered and distribute the credit, and the distribution will be done in the manner as will be prescribed. और ये हमें सबको ऑलरेडी पता है कि दे कैन डिस्ट्रीब्यूट इट आईएससी और सीएसआई, द प्रोविजन रिलेटिंग टू दैट रिमेन सेम. नाउ कमिंग टू द 122A, यस, अगर आप एक टबैको, गुटका, स्मोकिंग इन चीजों में डील करते हैं तो आपको अपनी मशीनरी का जो है वो रजिस्टर कराना जरूरी है. If you are in the manufacturer, you have to follow that are covered under the special procedure. नहीं कराते तो 1 lakh का पेनल्टी इंट्रोड्यूस किया गया है. हाँ, और कन्फिस्केशन भी साथ दी गई है. लेकिन अगर आप उसको 3 दिन में रजिस्टर करा लेते हो और पेनल्टी पे कर देते हो तो मशीनरी कन्फिस्केट नहीं की जाएगी. This budget only says these two changes about GST. But yes, we all are busy. क्योंकि 31st January अभी अभी निकली है सर, और भर भर के नोटिस 73 के, 18, 19 के भी आए हैं. जैसे जैसे गवर्नमेंट ने एक्सटेंड किया था इन द लाइट ऑफ 168A सेक्शन, टाइम टू टाइम एक्सटेंशंस होती रही हैं, और 31st दिसंबर से ये डेट बढ़ा के 31st जनवरी कर दी गई थी. सो कल नोटिसेस काफी फॉल किए हैं, एंड लेट्स सी कि अब 34th तक उनका क्या फेट रहता है. सो विद दिस आई हैंड ओवर टू यू राजेंद्र सर. थैंक यू मैम, थैंक यू, वंडरफुली एक्सप्लेन बोथ ऑफ यू. As a duty, because I too dream in GST only. So what I'm borrowing from these two changes from section 26 clause 61 and section 20, and read with that circular which Achal ma'am was also referring, and in the opening remarks also I mentioned that particular circular. What I feel is the department has categorically in that circular clarified, because there was a problem that the organizations which are having multiple entities in the country, multiple numbers in the country, they were not doing cross charge compulsorily. Even if they were doing, they were taking a specific value as per rule 28 second proviso, whatever value they choose. If the recipient is going to get the full credit, that is the acceptable value as per the valuation rules. Now in that circular also they made it a point to clarify that no, nothing doing. If you receive the input services, the services are received for the rest of the country, then compulsorily do for ISD, compulsorily go for ISD. And now Achal ma'am, you have also mentioned that they have categorically made it a point that if you are receiving input services which is on behalf of the rest of the country, then you are compulsorily required to take registration as ISD. And the moment you will take a compulsory, which was already there in the section 24, but they have borrowed that provision in section 20 itself. Resultantly, they are making every such entity compulsorily required to register as ISD and receive input services and compulsorily transfer the credit to respective entities, because of the fact that every entity which is going to get the apportioned credit may not be able to take the entire credit at their end. At the HO, whatever the credit was available to me in cross charge, I used to absorb it and transfer the minimum nominal amount. And resultantly, the credit which could have been blocked and not available to the resultant corresponding entities in the country were available to HO. And I believe this is going to go a long way in terms of the credit bill to the entities present across the country. I believe this change, like Mukul sir has rightly pointed out, ye jo government karti hai, badi deep karti hai. Aapka opening remark tha sir ye wala. बड़ी डीप करती है, इसको समझने के लिए डीप अंडरस्टैंडिंग ही चाहिए. सर ये बहुत बड़ा काम करा है इन्होंने, और मैं समझता हूं कम से कम, मतलब इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 40-50 हजार करोड़ रुपए का जो इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा साल का, वो इन्होंने खत्म करवा दिया है एंटिटीज का. आंचल मैम कुछ कहना चाहती है, मैम काइंडली प्लीज. मैं अभी बताऊं आपको, ये प्रोविजन जो क्रॉस चार्ज का आया, I have to spend 2 days in Hyderabad for just getting the client strategize for this. It's a such a big change
एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली सर्टेनली सर इट इज. और सर ये जैसे राजेंद्र सर अभी आप मेंशन कर रहे थे ना, ये जो शेल वर्ड का यूज है ना सर, ये जब सेक्शन 20 में पहले भी किया गया था तो बहुत कॉम्प्लिकेशंस थे, क्योंकि वहां पे भी लिखा गया था आईएसडी शैल डिस्ट्रीब्यूट द क्रेडिट. सो उसको गवर्नमेंट ने अपने सर्कुलर 199 में क्लेरिफाई किया कि आईएसडी मैंडेटरी नहीं है. एंड नाउ अगेन इन सेक्शन 20, नाउ अ रीवैम्प्ड सेक्शन आई वुड से, दे हैव अगेन यूज द वर्ड यू आर रिसीविंग इट ऑन द बिहाफ ऑफ द डिस्टिंक्ट पर्सन shall be required. So again a word shall has been used linking it to the registration provision, so showing it to be a little mandatory, but let's see how the rules fall out. If that is right. So necessary, otherwise also Anchal ji, if it is in respect to an SEZ unit, then a proper appropriation for the export benefits is very very necessary. कंपल्सरिली गो टू ISD सो दैट व्हाट आई या मुकुल सर मुकुल सर या सो दैट दैट इज व्हाट यू आर सेइंग इज राइट दे वांट टू कंपल्सरी डू इट थ्रू ISD एंड एप्रोप्रिएट द एक्सपेंस टू द एक्सपोर्ट सो दैट द राइटफुल refund or benefit could only be available. Absolutely. Wonderful discussion we had on these topics. Sir, संदीप सर, सर आपने बोला था कि कुछ करने के लिए नहीं है और आपने दो बातें दी और उसमें ही हम लोग उलझ कर इतनी लंबी डिस्कशन में चले गए. मतलब एक्चुअली विजनरी लीडर्स जो होते हैं मुकुल सर, वो कुछ नहीं करते, वो छोटी से छोटी बात को ना आंदोलन बना देते हैं, मूवमेंट बना देते. नहीं नहीं, इन्होंने भी छोटी सी बात थी और मूवमेंट बना दी और कोई रुक ही नहीं रहा. हर एक्सपर्ट चाहता है कि भाई ये भी एंगल कवर किया जाए और ये भी किया जाए. बहुत बढ़िया सर. संदीप सर, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू द नॉर्थ जोन एग्जीक्यूटिव एंड द जीएसटी स्टडी सर्कल. मी एज द चेयरमैन ऑफ जीएसटी स्टडी सर्कल ऑल्सो थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट. एंड आई वुड लाइक टू नाउ सेक्रेटरी साहब इज हेयर, सो दिस इज द proud privilege. I think Jain Roop Jain sir is here. Sir, I would like you to formally announce the closure of the program and give your views, and then we can close this program and go and enjoy the evening. Thank you, sir. Thank you. Thank you. इतना fruitful discussion हुआ है, जो छोटी सी बात लेके चल रहे थे कि बजट में कुछ नहीं है, क्या discussion करेंगे, और I think 1.5 घंटे से ऊपर चला गया discussion. और कई चीजें बहुत ही अच्छी, जैसे ISD का है और ये सब जानने को मिला कि कितने चेंजेस है उसके अंदर, सीखने के लिए बहुत कुछ है. छोटी सी बात लेकिन बहुत कुछ है. सभी का मैं आज के इस वेबिनार में जो फ्रूटफुल डिस्कशन हमारे लिए, सभी जितने भी हमारे सीनियर्स हैं, मुकुल गुप्ता जी हैं, OP शुक्ला जी थे, जमुना शुक्ला जी, राजेश मल्होत्रा जी, CA सुशील गुप्ता जी, आंचल जी, AK श्रीवास्तव जी, और अन्य जितने भी हमारे बाहर से भी जुड़े थे, अश्विन आचार्य जी, भास्कर जी, सभी का मैं धन्यवाद देता हूं कि इसी तरह से आप सब लोग जुड़े और हमारे प्रोग्राम को हमें मोटिवेट करते रहे कि हम आगे से आगे पूरे साल बहुत अच्छी अच्छी चीजें करते रहे. हमारे चेयरमैन साहब का तो खैर जवाब ही नहीं है, उनका जो विजनरी जितना जबरदस्त इतना विजन है कि उसको देखते हुए हम बहुत कुछ करने के, इस साल एक से एक अच्छी चीज करने का, जिसमें हमें मोटिवेट आप लोगों का मिलता रहेगा तो बेहतर से बेहतर करेंगे. मैं पुनः मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ. थैंक यू. थैंक यू. और बिफोर वी एंड, एक चीज मैं जस्ट शेयर करूंगा. कल मैंने एक मैसेज दिया था ग्रुप में रिगार्डिंग द कंपाइलेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्स केस लॉ रिपोर्टेड इन जनवरी. ये नेशनल प्रेसिडेंट से बात हुई है कि ये जो कंपाइलेशन बनेगी ऑन ए मंथ टू मंथ बेसिस, ये AFTP की वेबसाइट पे वो लोड करेंगे. उसकी फॉर्मेलिटीज वो लोग थोड़ा सा, वी आर जस्ट वर्किंग आउट हाउ टू डू इट, मगर इन द मीन टाइम अगर और किसी मेंबर को भी उसकी रिक्वायरमेंट है, कोई इंटरेस्टेड है, तो मुझे मैसेज दे दे. संदीप ने मेरा सेपरेटली ग्रुप में ना दें बिकॉज इट बिकम्स हैवी, तो सेपरेटली आप मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए. सेंड मी योर ईमेल एड्रेस, वी विल शेयर विद यू. सर, थैंक यू सर फॉर दिस इंफॉर्मेशन. सॉरी,
हमें भेज दीजिए, सबको भेज दीजिए, सब जितने भी है। नहीं, 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 मेरे पास सबके, जिस जिस के मेरे पास व्हाट्सएप नंबर या वो होंगे, ईमेल आईडी होगी, तो उनसे शेयर कर लूंगा सर। आप हम लोग आगे बढ़ा देंगे उसे जी। क्या बोल रहे? You send it to us, we will forward it to everybody. Okay. Thank you, AK, I'm sir. Just, thank you, everyone. I'm just waiting for some thing. Something the president is to write. Oh, I'm just waiting for it. If he comes, then he said, then you can send it to him. Okay, sir. Thank you, everyone. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, everyone. For a wonderful discussion. I am. But if you want, I can just honored. Show you as to what, how it looks like. Sir, we can, yes, sir. Yes, AK, sir, we 3-4 can talk about this in close group meeting also, sir. We close group. Close group kar diye. Close chat also, recorded? Sir. Yes, sir. Nee, isko band kar diye. Recording band kar diye. Aur uske baad hum log, recording, yeah, sir. It is gone on the YouTube now, on the private video. Haan, wo, haan, recording band kar diye. Whenever Mr. Chairman will direct me, we will public it. Thank you very much. Yes, sir. Sir.